श्री राम, मैं जा रही हूँ मुंबई टू अयोध्या पैदल यात्रा करने। अयोध्या में श्री राम मंदिर उद्घाटन की शुभ घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, पूरा देश श्रीराममय हो रहा है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी हर सनातनी बनना चाहता है, इसलिए देश भर से श्रद्धालु राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए उतावले हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आने के बाद दिन रात एक कर मंदिर के स्वरूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अयोध्या में विकास कार्य जोर शोर से चल रहा है। नया मंदिर, नया विग्रह, नई आभा, नई खुशियां, नई तकनीक, नया रेलवे स्टेशन, नया एयरपोर्ट, नवनिर्मित घाट नई अयोध्या का नया अध्याय बयां कर रहे हैं। अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। दोस्तों, अयोध्या में रामलला के उद्घाटन के उत्साह को हम मुस्लिम समुदाय में भी साफ देख सकते हैं। जी हाँ, ये देखिए, कंधे पर केसरिया ध्वज, पीठ पर राम मंदिर की तस्वीर और जय श्री राम का नारा लिखा हुआ बैनर के साथ मुख में राम नाम राम भक्ति में लीन होकर मुंबई से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा करने वाली मुंबई की रहने वाली शबनम शेख हैं, जिनकी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि काशी प्रांत के कुल 22 मुस्लिम परिवार द्वारा अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण में सहयोग राशि प्रदान की गई है, जिसमें बनारस की रहने वाली इकरा अनवर खान भी शामिल है। तो आइए जानते हैं ये सब देखकर क्यों कथारपंथियों के पेट में दर्द होने लगा है, आखिर कौन है शबनम और क्यों मुस्लिम अचानक इतना प्यार लुटा रहे हैं। जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन अगर आप भी श्री राम के भक्त हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राम मंदिर निर्माण से अयोध्या को लगे विकास के पंख। रामायण से जुड़ी अलग अलग कलाकृतियां मन को मोह लेंगी। अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई गई हैं सड़क किनारे, अलग अलग स्तंभ भी बनाए गए हैं। धर्मनगरी का एहसास दिलाने के लिए बदलाव किया जा रहा है। देवी देवताओं की तस्वीरों को दीवारों पर उकेरा गया है। कलाकृतियों को देखने के बाद बार बार अयोध्या आने का मन करेगा। 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर आए पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के साथ उन्होंने नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। वहीं पूरे अयोध्या को त्रेतायुग थीम से सजाया जा रहा है। सड़कों के किनारे लग रहे सूर्य स्तंभ भगवान राम के सूर्यवंशी होने के प्रतीक को दर्शाते हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक धर्मपथ के सड़कों के किनारों पर दीवार बन रही है, जिस पर रामायण काल के प्रसंगों को दर्शाया जाएगा। दीवारें टेराकोटा फाइन क्ले म्यूरल कलाकृतियों से सजी होंगी, जो त्रेता युग की याद दिलाएंगी। वहीं अयोध्या में अब रंग रोगन, साफ सफाई और कलाकृति का काम हर तरफ नजर आता है। संगमरमर पर बने कमल के फूल के जिस आसन पर रामलला का सिंहासन रखा जाएगा, उसे गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। जल्द ही खगोलीय वैज्ञानिक इसकी ऊंचाई सेट करेंगे। सूत्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के समय मुख्य यजमान बने पीएम नरेंद्र मोदी अस्थाई मंदिर से रामलला को अपने हाथों में रखकर भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में ले जाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ टाट के मंदिर से रामलला को अस्थाई मंदिर तक लेकर आए थे। खबर आई है कि जब भगवान राम गर्भगृह पर बने मंदिर में विराजमान होंगे तो वह सोने के वस्त्र धारण करेंगे। जी हां, भगवान राम के लिए सोने के वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जब भगवान राम गर्भगृह पर बने मंदिर में विराजमान होंगे तो वह सोने के वस्त्र धारण करेंगे। भगवान राम के लिए सोने का मुकुट होगा और उनके आभूषण भी सोने के होंगे। प्रधानमंत्री इस आयोजन के चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर के जाने माने लोगों और साधु संतों को निमंत्रण दिया गया है। यूपी की योगी सरकार अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को इस प्राचीन नगरी के विकास से जोड़कर सबके सामने प्रस्तुत कर रही है। इसीलिए मंदिर के साथ साथ अयोध्या में बुनियादी सुविधाओं को भी विश्व स्तरीय बनाने पर काम पिछले काफी समय से चल रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर रामलला अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं और उनके लिए बनाया जा रहा ये मंदिर न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी बने हिंदू मंदिरों से भव्य होने वाला है। यही कारण है कि लोग प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही पहुंचने लगे हैं। इस बीच एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंबई से अयोध्या के लिए पैदल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अपने दो साथियों के साथ निकली मुस्लिम युवती शबनम शेख जय श्री राम के जयकारे करते हुए जा रही है, जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति का उद्घाटन होना है, जिसे लेकर देश भर से बड़ी संख्या में लोगों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। लोग अपने अपने अलग तरीके से राम मंदिर स्थापना को यादगार बनाने के लिए अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर मुंबई की मुस्लिम युवती शबनम शेख आजकल पूरे देश भर में चर्चा में है। शबनम मुंबई से अयोध्या के लिए अपने साथियों रमण राज शर्मा व विनीत पांडे के साथ पैदल निकली है। इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ है।
शबनम मुंबई से भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए निकली है। शबनम कहती है कि मुझे मुस्लिम होने पर गर्व है। अपनी यात्रा को लेकर वह कहती है कि लड़की भी पैदल यात्रा कर सकती है। यह दिखाने के लिए वह यात्रा पर निकली है। मुझे लोगों के उस भ्रम को तोड़ना है कि सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं। साथ ही शबनम का कहना कि भगवान राम सबके हैं। राम जी के दर्शन करने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं, एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, उसका दिल साफ होना चाहिए। शबनम आगे कहती हैं, राम जी तो सबके हैं, सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हैं। अपनी यात्रा की परेशानी को लेकर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जरूर कुछ हेट मिल रहा है, लेकिन वह कुछ लोग हैं, जबकि रास्ते में कहीं मुस्लिम में मिलते हैं वो सलाम भी करते हैं और जय श्री राम भी कहते हैं। शबनम की मां ने तो उनका कहना है कि कोई दाढ़ी वाले कुर्ता पजामा पहने लोग भी थे, जय श्री राम कहकर संबोधन करते हैं। शबनम अपनी यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। एक न्यूज चैनल से खास बातचीत के दौरान शबनम शेख ने कहा कि बचपन से ही वो रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक सीरियल्स को देखते हुए बड़ी हुई है। दोनों ही सीरियल का उसके जीवन पर गहरा असर है। प्रभु श्री राम को आदर्श मानती है। अपने नाम के आगे सनातनी मुस्लिम लगाने का विचार सुबूही खान से प्रेरित होकर लिया है। दोस्तों, अनुष्ठान से जुड़ी तैयारियों से लेकर लोगों के निमंत्रण पत्र भेजने का सिलसिला भी पूरे उत्साह के साथ पूर्ण किया जा रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार काशी प्रांत के तकरीबन 22 ऐसे मुस्लिम परिवार भी हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में दान दिया है। इन्हीं परिवारों में से एक मुस्लिम युवती इकरा अनवर खान भी शामिल है, जिसने 2021 में 11,000 रुपए सहयोग राशि के तौर पर अयोध्या राम मंदिर निर्माण कार्य में दिया था और इन दिनों वह भी चर्चाओं के केंद्र में है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने एबीपी लाइव से बातचीत में बताया कि 2021 में अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर सभी वर्ग के लोगों को इस ऐतिहासिक धरोहर और प्राचीन विरासत से हमेशा के लिए जोड़ने के उद्देश्य से सामूहिक समर्पण निधि का कार्य किया जा रहा था और अब तक देश भर के हजारों लोगों ने इसमें अपना सहयोग किया है, जिसमें अलग अलग धर्म के लोग भी शामिल हैं। काशी प्रांत के कुल 22 मुस्लिम परिवार द्वारा अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण में सहयोग राशि प्रदान की गई है, जिसमें बनारस की रहने वाली इकरा अनवर खान ने भी अपने हाथों पर प्रभु श्री राम का नाम लिखवाने के साथ साथ 11,000 रुपए का चेक दान में दिया था। इकरा अनवर खान एक पढ़ी लिखी बालिका है जिसने लॉ की पढ़ाई पूरी की है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि निश्चित तौर पर यह सोच राष्ट्रीय एकता में बाधक बनने वाले विचारों को न केवल खत्म करने वाला साबित हुआ बल्कि उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। वैसे हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तो सभी जात पंथ संप्रदाय को जोड़ने वाले एक सेतु के रूप में राष्ट्रनायक के तौर पर जाने भी जाते हैं और यह प्रमाणित हो चुका है कि श्रीराम जन्मभूमि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के वास्तविक रूप को भी चरितार्थ कर रही है। दोस्तों, राम मंदिर की इतनी तैयारी और लोगों का इतना प्यार देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।